क्या होता है विजुअल दीपन का वर्क अप्रूवल और कैसे होता है ये अप्रूव्ड और कैसे मिल सकता है आपको किसी भी कंपनी का विजुअल दीपन का, जो अगर आप रोमेनिया में हो या रोमेनिया से बाहर हो और रोमेनिया में आने वाले हो, और कैसे लगता है आपका वीज़ा, इसके बारे में आज बात करेंगे। सत श्रीकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और स्वागत है आपके अपने चैनल बाउंडलेस सिंह पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है अविजुअल दीपन का, जहाँ फिर अपने इंडिया में बोल देते हैं कि वर्क अप्रूवल, क्या होती है वो और कैसे मिलती है आपको, और इसके बाद अगर आप इंडिया में हैं तो आपका वीज़ा प्रोसेस कैसे होता है, और अगर आप रोमेनिया में हैं तो आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली अविजुअल दीपन का होती है वर्क अप्रूवल, कि आप कौन सा काम करने वाले हो उसकी अप्रूवल मिलती है आपको रोमेनियन गवर्नमेंट से। एक स्पेशल अथॉरिटी है जिसे बोल देते हैं IGI, या इमिग्रेशन अथॉरिटी, या फिर पूरा नाम बोले तो इंस्पेक्टोरल जनरल फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस। इनसे आपको एक अप्रूवल मिलती है कि आप पर्टिकुलर वर्क जो करना चाहते हो उसके लिए आपको अप्रूव किया गया है और आप वो काम कंटिन्यू कर सकते हो, और आपको परमिशन है रोमेनिया के अंदर काम करने की। ये दोनों ही कंडीशन में लेना पड़ता है, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप रोमेनिया में हो, दोनों ही कंडीशन में आपको हर बार अब विजुअल दे मुनका लेना ही पड़ता है। तो पहले बात करते हैं कि ये दिखता कैसा है। तो ये एक कॉपी है विजुअल दे मुनका की, कुछ मैंने आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए ये कॉपी निकाली है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने उनकी हाइड कर दी है। इसमें देखेंगे कि यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम होगा, इस जगह पर आपकी कंपनी का नेम होगा जिस कंपनी का आपको विजुअल दीपन का मिल रहा है, और इस जगह पर जो रेड कलर का डॉट है, एरो है, इस जगह पर आपको मिलेगा अपना कोर कोड। तो बेसिकली जब भी किसी कंपनी का विजुअल दीपन का आपके लिए निकलता है या वर्क अप्रूवल आपके लिए निकलता है, तो आप अपनी उस पेपर पर एक कंपनी का नाम चेक कर सकते हो कि किस कंपनी का आपके पास अविजुअल दीपन का है और आप किस कंपनी में जाने वाले हो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उस पर आपका कोर कोड भी लिखा होता है, जो मैंने रेड पेन से आपको मार्क कर बताया था। तो वो कोर कोड जो है रोमेनियन कोर कोड के साथ मैच कर सकते हो कि आपको किस ट्रेड में जॉब मिल रही है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होने वाला, जहाँ आप जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड में आपको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ट्रेड चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि गूगल पर सर्च करना है रोमेनियन कोर कोड, तो एक वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर कर उसमें ऑप्शन आती है कोड कोड भरने की, तो जो कोड उस पर लिखा गया है वो कोड आपने सीधा सीधा वहाँ पर भर देना है और एंटर दबा देना है। तो आपको मिल जाएगा कि आप किस कोर में किस वर्कर कैटेगरी में आपका वीज़ा जो अप्रूवल है निकला है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर हेल्पर कैटेगरी में अप्रूवल निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हेल्पर कैटेगरी में अप्रूवल निकला तो हेल्पर में ही जाना है। क्या होता है कि अगर आपके पास जो ट्रेड की आप नॉलेज रखते हो, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आपका जो उस ट्रेड का अप्रूवल है नहीं होगा, आपको उस ट्रेड का विजुअल दीपन का नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगी, आपको अनस्किल्ड वर्कर की परमिशन मिलेगी। तो जैसे मैं पिछली वीडियो में भी बता रहा हूँ कि जब भी आपने अप्लाई करना है तो अपना एक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपनी किसी इंस्टीट्यूट से बनाना है और उसको स्टम्पिंग करवानी है, पोस्टले करवानी है, और फिर बाद में अविजुअल दीपन का के लिए अप्लाई करवाना है किसी कंपनी से, ताकि आपका ट्रेड का ही अविजुअल दीपन का निकले। इसमें जो भी कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर रहा है पेपर वर्क करने में, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे आप बात भी कर सकते हैं इसके बारे में। तो आगे बात करते हैं कि इसका प्रोसेस कितने टाइम का होता है। तो दोस्तों, जो विजुअल दीपन का प्रोसेस है ना, वो 1 से 2 महीने लग ही जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका अगर आप इंडिया में हो तो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इन जो आपका ओनर है उसको अपने टैक्स रिसिप्ट दिखाने पड़ते हैं, सॉरी टैक्स रिसिप्ट दिखाने पड़ते हैं,
उसको बताना पड़ता है कि मैं इस बंदे को हायर कर सकता हूँ। उस आपकी इंटरव्यू के प्रूफ देने पड़ते हैं कि आपकी फिजिकली इंटरव्यू ली गई है और आप इंटरव्यू को पास कर गए हो, और फिर जाकर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है ना, वो उनको प्रूव करके विजा दे मुनका देते हैं। अगर आप रोमानिया में हो तो थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपके पास पहले से ही एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, तो थोड़ा प्रोसेस उसका जल्दी हो जाता है। इंडिया में हो या किसी और कंट्री में हो तो आपका प्रोसेस थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो 1 से 2 महीने का प्रोसेस है जो लग जाता है इस टाइम को। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर 1 से 2 महीने का प्रोसेस है, तो इंडिया में या अपने देश में रहने वाले वर्करों को 4 से 5 महीने क्यों लगते हैं इधर आने में? तो ये नहीं है कि अकेला अप्रूवल ही निकलना है, अप्रूवल के बाद भी और काम है। जैसे मान लो कि आपका अप्रूवल निकला, तो फिजिकली उस ओरिजिनल कॉपी अप्रूवल की आपके पास आनी चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो जब वो अप्रूवल निकलता है आपका रोमानिया से, तो जो आपकी कंपनी है जो आपको हायर कर रही है, वो बाय पोस्ट चाहे कैसे भी पर्पस के से ओरिजिनल कॉपी जो है बाय पोस्ट भेजे, चाहे कुरियर सर्विस यूज़ करे, चाहे कोई आ रहा है आपके पास, नो डाउट ओरिजिनल कॉपी इंडिया में आती है आपके कंसल्टेंट के पास, या फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डायरेक्टली आएगी। तो वो जो ओरिजिनल कॉपी है उसको लेकर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं अम्बेसी में, रोमेनियन अम्बेसी में, यहाँ से आपका वीज़ा स्टिकर होगा। तो वो भी काफ़ी थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो क्यों ज़्यादा टाइम लगता है? क्योंकि सबसे पहले तो आपकी इंटरव्यू होती है, वो इंटरव्यू के प्रूफ जो हैं उसके साथ होते हैं, लगते हैं आपके पेपर वर्क के साथ। उसके बाद कंपनी के डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सारे लगाकर आपका वीज़ा दे मुनका निकलता है, उसमें भी टाइम लगता है। उसके बाद वो वीज़ा दे मुनका ओरिजिनल कॉपी इंडिया में भेजा जाता है, उसके बाद फिर से आपका वीज़ा अप्लाई होता है, वो सारा प्रोसेस 4 से 5 महीने, तकरीबन 6 महीने के करीब ले जाता है, 5 महीने, 4 से 5 महीने का करीब ले जाता है। तो कोविड का टाइम है, ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसलिए आपको लेट हो जाता है। बट अगर आप रोमानिया में हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर आप होंगे तो आपको वीज़ा दे मुनका मिलने पर आपको वर्क परमिशन मिल गई, आप काम कर सकते हो आकर रोमानिया में। बट रोमानिया में आने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए वीज़ा, और वीज़ा ये नहीं कि आपको कोई टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा और उस पर आ जाएंगे, नहीं, आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा लेना पड़ेगा जो आपका आगे आकर इधर एक्सटेंड हो सके, और जिस पर आपको परमिशन मिल सके परमिश देरे बनाने की या रेजिडेंस परमिट बनाने की। तो आप वीज़ा का भी ध्यान रखें कि आपको कुछ ऐसा वीज़ा मिलता है, और यहाँ पर ये रेड मार्क किया हुआ है ना, यहाँ पर आपका लिखा होता है D/AM, तो यही कैटेगरी है वीज़ा की, D/AM, जो लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है। तो इसी कैटेगरी का वीज़ा अगर आपके इधर लिखा गया है तो समझ लो आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा मिल रहा है, जिस पर आपका वर्क परमिशन मिल जाएगी। अदर काइंड ऑफ वीज़ा जो होते हैं ना, उसमें आपको लॉन्ग स्टे परमिशन मिलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सो अपना पासपोर्ट पर अपना वीज़ा चेक कर कर फिर ही इंडिया से चलें। अब बात करते हैं रोमानिया में जो ऑलरेडी जिनके पास रेजिडेंस परमिट है रोमानिया का, उनके लिए जब वीज़ा दे मुनका आपके पास आ जाता है ना, तो आपके लिए इजी, आप उसी टाइम पर जिस कंपनी का वीज़ा दे मुनका निकला है उसमें ज्वाइन कर सकते हो, उसमें काम कर सकते हो। तो जो बंदा रोमानिया में है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, रैदर देन के जो अपनी होम कंट्री में है। तो रोमानिया में होने पर आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी जॉब चेंज हो जाएगी। बट अगर आप इंडिया में हो तो पहली बार आना चाहते हो, वीज़ा पर आना चाहते हो, तो आपको इतना टाइम 4 से 5 महीने लग जाता है, फ्लाइट वगैरह लेते लेते सारा कुछ होते होते फाइनली यहाँ पर आते होते, और यहाँ आकर भी आपका रेजिडेंस परमिट वगैरह अप्लाई होता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। बट ये रेजिडेंस परमिट तो अलग चीज़ है, आपका वीज़ा पर आप काम शुरू कर सकते हैं, अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, रेजिडेंस परमिट फिर बाद में बनता रहता है, कंपनी आपका पेपर वर्क करवाती रहती है। तो ये होता है सारा का सारा प्रोसेस जो लोग आउट ऑफ रोमानिया हैं उनके लिए, और जो लोग रोमानिया में हैं ऑलरेडी उनके लिए। जो आउट ऑफ रोमानिया है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनको अप्रूवल भी लेना है, और उसके बाद
उसके बाद वीज़ा भी लेना है, और जो रोमानिया में ऑलरेडी हैं जिनके पास ऑलरेडी वैलिड वीज़ा और परमिशन दे रहे हैं तो उनको सिर्फ अप्रूवल ही लेना होता है। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है ऐसे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे ही एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, नए कंटेंट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, मिलते हैं अगली वीडियो में।